हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने 12th क्लास का रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। मुझे हंसी आ रही है कि एग्ज़ाम में आएगा ये, इसलिए हंसी आ रही है। और ये आएगा एग्ज़ाम में, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पहले लिखा हुआ है मैंने 100% इन एग्ज़ाम। आपको ये तैयार करके जाना है और लगभग आपका 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाला है यहाँ से, 3 से 4 नंबर का। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं लगाते हम और शुरू करते हैं। बाकी आप सब बढ़िया होंगे और उम्मीद आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है पहले देख लेते हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। एक हमने इससे पहले पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर आप वो देखना चाहते हो हमारे चैनल पर तो हमारा आई कार्ड विजिट करें, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ए बी, जो हमारी आँख से डी डिस्टेंस पर रखी हुई है, जिसकी इमेज हमें क्लियर विजन नहीं हो रही है। हमारी आंख पर उसका एंगल बन रहा है अल्फा। अब अल्फा है तो हमने लिखा टेन अल्फा, टेन अल्फा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी ई, और बी ई को मैं डायरेक्ट लिखा है, क्या लिखा है माइनस डी। चलो आगे आ जाओ, अब इसको देख लेते हैं। एक लेंस, अब ये कंपाउंड का मतलब है कि एक से ज़्यादा लेंस के द्वारा बनाया गया, मोर देन वन लेंस। दो लेंस हमारे सामने हैं, एक लेंस छोटा वाला है, एक लेंस बड़ा वाला है। छोटा लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ कम होती है और बड़े वाले लेंस की फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, बहुत छोटा है, जिससे चलने वाली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स जाएंगी और यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होगा और फोकस से पार निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे ओ से निकालेंगे, बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगी और जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमारे पास एक इमेज बनेगी ए डैस बी डैस। ये क्लियर हो गया आपका। एक और बड़ी बात है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, वो आपका एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि आपकी इमेज जो है वो आपकी एफ और सी के बीच में बनेगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका एफ पे हुआ तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फाइनाइट पर, जो पॉसिबल नहीं है, फिर इस लेंस को लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ के, एफ और ओ के बीच में होता है तो इमेज पीछे बनती है। दैट्स क्लियर, आपको ये पॉइंट बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। अब हमारे सामने एक लेंस और रखा हुआ है। अब ये जो इमेज है वो इस लेंस के लिए एच ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है, मतलब ए डैस बी डैस इज दैट ऑब्जेक्ट फॉर ए लेंस ई। ई का मतलब होता है यहाँ पर आई लेंस और ये है ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है अभिदृश्यक लेंस, इससे बोलेंगे नेत्रिका लेंस, क्योंकि ये नेत्रिका के पास होता है इसलिए इसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। अब एक लाइट रे बिल्कुल ई से पार निकल जाती है और एक जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये एफ से निकलती है और ये डिस्टेंस होती है आपकी एफ ई, पॉजिटिव काम आएगी हमारे। फिर ये लाइट रे इसको पीछे मिलाएंगे और इसको भी पीछे मिलाएंगे तो हमारी एक इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है। ये इमेज बहुत बड़ी है, वेरी बिगर टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला बनता है टेन बीटा। टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा लगभग इक्वल है बीटा के, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ए डैस बी डैस और बेस हो गया बी डैस ई। अब हम चलते हैं डेरिवेशन पे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एम इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, मतलब हमको बीटा और अल्फा की वैल्यू तो है, उसको पुट करना है, बस कुछ नहीं करना अपन को। बीटा इक्वल टू क्या है ए डैस बी डैस अपॉन बी ई और अल्फा कितना है ए बी अपॉन माइनस डी। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर एम इक्वल टू बीटा कितना है ए डैस बी डैस अपॉन बी डैस ई, अल्फा कितना है ए बी अपॉन माइनस डी, इसको अपन इक्वल करेंगे तो ए डैस बी डैस अपनी जगह पर आ गया, बी डैस ई कहाँ जाएगा डिवाइड में, डी कहाँ चला जाएगा ऊपर माइनस डी, ए बी कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब इसको इधर मैं कर देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा ए ए डैस बी डैस अपॉन ए बी माइनस डी अपॉन बी डैस ई। अब समस्या ये आती कि ये हमारे पास है ही नहीं, इक्वेशन नंबर फोर पर रुक जाते हैं। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई बार कॉपी चेक किए, देखता हूँ मैं तो क्या होता है बच्चे यहीं से छोड़ देते हैं और यहाँ आके गलती करना शुरू कर देते हैं। अब हमें क्या करना, थोड़ा सा एडवांस चलना है। आपके पास है कि चित्र में त्रिभुज ए बी ओ
और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, दो त्रिभुज हैं और हम ये मानते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं आपके, सिमिलर, समरूप हैं, और समरूप होंगे तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और बी ओ के बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, बी डैश ओ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ, मतलब एक्चुअल में इसको इन्वर्स करें तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है, बी डैश ओ अपॉन बी ओ, तो इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब बी डैश ओ की वैल्यू कितनी है, बी डैश ओ देखो कहाँ पे है, बी डैश ओ, ये कितना हुआ वी ओ, बिल्कुल सही है। दूसरा आता है बी ओ, बी ओ कितना है माइनस यू, इक्वेशन फाइव बनाया, इक्वेशन फाइव को पुट करोगे इक्वेशन फोर में क्या बनेगा, एम इक्वल टू समीकरण पाँच को चार में रखने पर पाँच की वैल्यू चार में रखेंगे, इक्वेशन फाइव पुट इन इक्वेशन फोर, जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो एम इक्वल टू में क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए वी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, वी अपॉन माइनस यू ओ, और डी बी डैश ई कितना है, बी डैश ई कितना है माइनस का यू ई, माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसल खलास कर दिया, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ओ, माइनस माइनस कैंसल डी अपॉन यू ई, ये आपका बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। अब इसके दो स्पेशल केस हैं उनको अपन स्टडी करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है। मैं देखो आपको मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की हमारे पास आ चुकी है, m इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई, ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 6। अब इसके हमको दो केस बारी बारी से स्टडी करने हैं, चार नंबर का इक्वेशन बनता है यहाँ से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस नंबर पहला है, स्थिति फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बने, लीस्ट डिस्टेंस, व्हेन फाइनल इमेज ऑब्टेंड एट ऑब्टेंड लीस्ट डिस्टेंस इस कैपिटल डी। तो क्या करना है आपको उस कंडीशन में, जब हमारी इमेज यहां बनेगी डी पर बनेगी तो आपको वी इक्वल टू क्या लिख देना है माइनस डी, और यू इक्वल टू क्या लिख देना है माइनस यू, और एफ उधर बन रहा था तो ये बन जाएगा एफ इक्वल टू प्लस एफ। अब आप सबने लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है उसको, एक बार वापस जाके आप विजिट कर सकते हो मेरे चैनल पर। लेंस सूत्र से, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ, एफ की जगह आएगा प्लस एफ ई, वी की जगह आएगा माइनस डी, और यू की जगह आएगा माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन माइनस डी, ये वन माइनस वन अपॉन डी हो जाएगा वन अपॉन एफ ई। अब ये जो वन अपॉन माइनस डी है इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन डी। अब क्या फायदा हुआ इसका, अपने एलसीएम लिया एफ ई डी आ गया, डी प्लस एफ ई हो गया। हमारे पास किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, यूई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, यूई की वैल्यू हम इसको इन्वर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो यूई हो जाएगा एफ ई डी अपॉन डी प्लस एफ ई। ये इक्वेशन हमारे पास में, जो इक्वेशन हमारे पास में यूई की आई है इसको आराम से आप इक्वेशन नंबर 6 में रख सकते हो। जब इसको इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो हमारे पास एन की एक वैल्यू आएगी, जो किस कंडीशन के लिए आएगी, जब आपकी इमेज कहां बनती हो, डी पर बनती हो, तो एम इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी। अब देखो यू की वैल्यू है कितनी है, एफ ई डी अपॉन में क्या आएगा, डी प्लस एफ ई, अपॉन की अपॉन में होगा वो ऊपर चला जाएगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी। अब देखो डी से भी कैंसिल हुआ हमारे पास में, हट गया डी, तो क्या बच्चा आपके पास डी प्लस एफ ई, अपॉन क्या बच्चा एफ ई, डी से डी को मैंने कैंसिल कर दिया, डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई,
अब क्या करेंगे, डी प्लस एफ ई को डिवाइड करोगे एफ ई से। तो यहां देखो मैंने क्या किया है, माइनस डी अपॉन यू एच डी आया है, डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, तो एफ ई एफ ई वन हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई रह जाएगा, तो क्या बनेगा वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आपका इक्वेशन नंबर सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकली पूछ सकता है। अब अपन चलते हैं केस नंबर सेकंड पर, स्थिति नंबर दूसरी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, आपकी फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटा जी, इनफाइनाइट पर, व्हेन फाइनल इमेज ऑब्टेन एट इनफाइनाइट, उस कंडीशन में यू इक्वल टू कितना रहेगा माइनस यू, बट वी हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, वी में ही चेंज करना है क्योंकि इमेज की बात कर रहा है, वी यहां पर माइनस डी था और वी यहां पर आएगा माइनस इनफाइनाइट। एफ इक्वल टू प्लस एफ ई, वापस अपन आते हैं लेंस सूत्र से, लेंस फॉर्मूले से, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। जैसे ही आप वी और यू की वैल्यू पुट करोगे, एफ की वैल्यू पुट करोगे, तो हमारे पास एक आंसर निकल के आएगा, बताता हूं कैसे, वन अपॉन एफ ई वन अपॉन माइनस इनफाइनाइट, वी की जगह आया माइनस इनफाइनाइट, यू की जगह आया माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो आ जाएगा, ये जीरो आया, ये आया प्लस वन अपॉन यू, एफ वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एफ ई की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, यू के, या मैं ये कह सकता हूं कि यू की जो वैल्यू है वो एफ ई के इक्वल हो गई। अब क्या करोगे आप, वापस आओगे क्वेश्चन नंबर सिक्स से, क्या दिया हुआ है, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और डी अपॉन यू, तो जहां पे आपके पास यू है वहां क्या पुट कर दोगे आप, एफ ई। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू में डी अपॉन एफ ई, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनने वाला है। इस तरीके से आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार हो चुका है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दो से तीन बार पढ़े, पेन कॉपी लेके बैठे साथ में, और इसका 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।